कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने के बावजूद 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को आज माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने यारी रोड अंधेरी वेस्ट स्थित चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल में सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य अजय कौल की सामाजिक संस्था एकता मंच के माध्यम से किया गया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने भाषण में कहा कि यह काम बहुत कठिन है। कोरोना काल में उनके कई रिश्तेदारों ने अपने माता पिता को खो दिया है, जब उनसे बात करना मुश्किल होता है। आज देश में बहुत ही मानवता है, दया है, दौलत से नहीं बल्कि मर्दी से दुनिया चलती है, बल्कि हमारी दया सहयोग और सेवा से चलती है, यही हमारी ताकत है। जब हम करुणा करते हैं और दूसरों को ज्ञान और प्रेम देते हैं तो हम भगवान बन जाते हैं। कोरोना काल में राजभवन में 500 से अधिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। सड़क मेरी वजह से बंद हो जाए गणेश भक्त श्राप देंगे, लेकिन फिर भी मैं इस कार्यक्रम में आया। राज्यपाल ने यह भी कहा कि हम लड़ते हैं, लड़ते थे और लड़ते रहेंगे, लेकिन कोरोना काल में भारत की महानता यह है कि हम यह सब भूल गए कि कौन किस दल का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, और अपना काम ईमानदारी से किया। इस एकता पर विदेशी भी हैरान है। कुछ लोगों ने कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान विरोध किया, लेकिन अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बूस्टर खुराक ले रहे। देखिए, इस कार्यक्रम में माननीय भगत सिंह कोश्यारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए, इस सभा को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा। कोरोना के कालखंड में सब लोग ये भूल गए कि कौन किस पार्टी का है, कौन किस विचारधारा का है, कौन किस प्रोफेशन को कर रहा है, कोई छोटा है या बड़ा है। जो भी अधिकतम जिससे हो चुका, वो चाहे पुलिस का सिपाही होगा, चाहे अधिकारी होगा, चाहे एकदम सामान्य नर्स या वार्ड बॉय होंगे, हर एक ने कहीं न कहीं अपनी ड्यूटी बहुत ढंग से की। और ये सचमुच ये भारत की यही बड़ी महानता है। मेट्रो मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट।